लिए मैंने फिश भी लिया है, चिकन भी लिया है। इसको हमने ऑलरेडी मैरिनेट कर दिया था, आधे आधे घंटे जैसा मैरिनेट करके रख दिया था। और पहले हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा चिकन डाल के, फिर फिश डाल के, इस तरह से हम देखेंगे कि क्या क्या लाइक कैसा कुक होता है इसमें। और हमने ऑलरेडी जैसा बताया था, यहाँ पे मेन्यू सिलेक्शन का है ये, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक जो हम सेलेक्ट मेन्यू पे टच करने के बाद में जो जंप कर रहा है और वो सेलेक्ट हो जाता है। ओके, जैसे अभी ये जंप कर रहा है, इसको हम पावर ऑन करेंगे ये। सो इस तरह से ये हो जाता है स्टार्ट। ड्यूरेशन यहाँ पे है 14 मिनट, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं 15 मिनट, इस तरह से टाइमर बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे ये टेम्परेचर इंक्रीज करने का भी है, लाइक 200 मैक्सिमम है। हाँ, इसको डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं 5-5 के पल्स में ये स्टार्ट अप डाउन हो रहा है। ऑफ कर दिया मैंने क्योंकि अभी कुछ भी सामान नहीं डाला था मैंने। ट्रे को आप एक्चुअली जैसे ही बाहर निकालेंगे ना, ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, ट्रे हमने बाहर निकाला, डिस्प्ले ऑफ, और ट्रे को हमने इन किया। ओके, सो प्लीज हेल्प मी, इसको ट्रे को अंदर कर दीजिए। तो करो तो यस। सो ट्रे को जैसे हमने इन किया तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पावर बटन आ गया। इसको ऑन करेंगे तो इस तरह से मेन्यूज आ जाएंगे। तो चलिए हम कुक करते हैं, दिखाते हैं कैसा इसका प्रोडक्ट निकलता है आफ्टर कुक। ओके, ये हमने इसका ट्रॉली निकाला है, देख सकते हैं ट्रॉली कुछ कुछ इस तरह से दिखता है। और इसकी कैपेसिटी जैसा इसमें मैंशन है 4.5 लीटर का, 4.2 लीटर्स का है। और ये जो है ना, ये एक्चुअली ऐसा नेट नुआ इसलिए दिया है ताकि ऊपर से ना हवा का बेंट आए। ये देख सकते हैं यहाँ पे ना, इन्होंने ये कॉइल लगा रखा है, ये 1200 वाट का कॉइल लगा है जो गर्म होगा। ऊपर फैन भी है, उस फैन के हवा से जस्ट ये इस पर सामान जो भी हम रखेंगे उस पर पड़ेगा, उसी से कुक होगा। और ये ना रिमूवेबल है, लाइक इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं, देख सकते हैं ये। और ये ट्रे कुछ कुछ इस तरह से दिखता है, आप इसको आराम से ऐसे रख सकते हैं और ये फिट हो जाएगा। आप इस पर सामान रखेंगे तो एक्चुअली क्या, थोड़ा सा गैप है ना, तो हवा बैक साइड से रिवर्स भी मारेगा ताकि 360 डिग्री का आपका लाइक एयर बेंट मिले इसको। और ये देख सकते हैं इसमें जो, एक सेकेंड मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये 1200 वाट का एक कॉइल लगा हुआ है। और इसके जस्ट ऊपर में ना देख सकते हो उसी कलर का फैन भी है। सो उसी फैन से ये हवा सारा नीचे आता है। और कुछ ज़्यादा कुछ मैकेनिज्म नहीं है, टच के थ्रू आपका कंट्रोल पैनल है और बाकी चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बनाया गया है। इसका जो स्विच है, शायद ये जो स्विच है ना यहाँ पे, ये स्विच है जो इसको ऑन ऑफ करता है। हम बाहर निकाल देते हैं तो बंद हो जाता है शायद, वही ये कंट्रोलर यहाँ पे लगा, सॉरी ये देख सकते हैं ये स्विच है। ये ट्रे जाने पे ये प्रेस हो जाता होगा तो ऑन हो जाता है। ओके, सो आइए देखते हैं। सो ये देख सकते हैं टाइमर भी इस तरह से घटा, 20 मिनट से 19 मिनट आ गया। और ये सब ना टच नहीं है। ओके, फैन इसके जस्ट नीचे ही है, सिर्फ टच कमांड इस तरह से ये है, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं इनके जो टच पॉइंट्स लगे हुए हैं इसमें, बाकी जो है डिस्प्ले सिर्फ देखने के लिए है। सो अब हम 8 मिनट पे पहुंच गए हैं। अच्छा, इसमें जो रेड मार्कर है ना, लाइक शायद ये एलिमेंट जलने का है, ये ना ऑटो कट भी बीच बीच में हो जा रहा है। जैसे अभी चल रहा है, अभी थोड़ी देर में मैंने देखा हट जा रहा है। और यहाँ से ना कुछ वेपर निकल रहा था, मैंने थोड़ी देर पहले देखा ये हैंडल के पास में, तो मुझे लग रहा है ये सब नॉर्मली होगा। बॉडी थोड़ा सा हीट है, ऑब्वियस बात है हीट होगा क्योंकि चैम्बर यही है। और नीचे इस साइड में उतना हीट नहीं है जितना इधर है क्योंकि कॉइल यहीं पे है ना एग्जैक्टली। अच्छा, ये देखिए अभी ऑटो कट हुआ, वो टुक से करके एक साउंड भी हो रहा है, शायद वो ऑटो कट का कुछ होगा इसमें सिस्टम। अभी देखते हैं थोड़ी देर में कितनी देर में फिर से ऑन होता है, कभी ऑन होगा कभी ऑफ होगा। मैंने क्या हुआ ना, जो एल्युमिनियम फॉइल लगाया है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है जो टेम्परेचर है उसका नीचे तक इसका फ्लो वो रोक दे रहा है, इसी वजह से नीचे वाला पार्ट जो है उतना गर्म नहीं है बट ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा गर्म है, इधर भी गर्म है। ये देखिए, सो अभी आ गया, मतलब 1 मिनट में ही कटा है, आया भी है। सो ये नॉर्मल है, अगर जो आपके भी सेटअप में ऐसा हो रहा है तो इट्स वेरी नॉर्मल। सो फाइनली ये ऑफ हो गया था अपने आप से ही टाइमर बंद होने के बाद, और ये जस्ट अभी ऑफ हुआ है। ये हम निकाल के देखते हैं कैसा है। फाइनली ऐसा कुछ कुछ निकला है और सच में ना बड़ा ही लाइक लग रहा है कि अच्छे से फ्राई हुआ है यार। तो अभी ये एक साइड फ्राई हुआ था, हम इसको ना रिवर्स करके सेकंड साइड भी करेंगे और उसको भी फ्राई करके देखते हैं, शायद और अच्छा कलर भी आएगा, टेस्ट भी होगा। इसको पलट के डाल दिया है और क्योंकि पहले साइड में बहुत ही क्रिस्पी सा फील हो रहा था, एक्चुअली क्या था एल्युमिनियम फॉइल हमने लगाया था ना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो रिवर्स साइड में ना उतने अच्छे से कुक नहीं हुआ है। तो अगर जो आप एल्युमिनियम फॉइल नहीं लगाते हैं ना तो उससे क्या होगा कि आपको रिवर्स में भी सेम हवा का फ्लो होगा, बट अभी क्या उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि जो फैट है वो सारा नीचे जाएगा तो आपको पूरा चैम्बर धुलना पड़ेगा। एल्युमिनियम फॉइल में क्या है, आपने एल्युमिनियम फॉइल फेंक दिया, सो आपको क्लीनिंग कम करना पड़ेगा, इस वजह से हमने उसका यूज़ किया। और अभी 10 मिनट ही हमने रिवर्स करके रखा है,
क्या है बेटा, कैसा लग रहा है बेटा टेस्ट आपको, स्मेल कैसा आ रहा है? देखिए इसका ना बैक साइड में एक्चुअली इसके बैक साइड में एग्जॉस्ट फैन है एक्चुअली, हाँ थोड़ा वेंट दिया है, ये एयर वेंट दिया है ना यहाँ पे, तो यहाँ से ये हवा निकल रहा है, गर्म हवा को निकालने का यहाँ से ये दिया है, तो आप देख सकते हैं एयर वेंट, तो यहाँ से वो हवा भी निकल रहा है, तो जो अंदर का माल है उसका स्मेल भी आएगा इसी वजह से। हाँ बेटा कर सकती है। सो अभी टाइमर हमारा खत्म होने वाला है, आप देख सकते हैं एक मिनट बचा है, ये सेकंड मतलब आई मीन उसको रिवर्स कर दिया था हमने, और अभी जैसे दिखाना मैं ये चाह रहा था कि जब ये ऑफ होता है ना तब कैसा आता है, इसी वजह से मैं फोकस्ड था। यस ये देखिए इस तरह से कुछ कुछ ऑफ होता है ये, और अभी ये फुली बंद हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। शुरू शुरू में ये एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइक वाटर वेपर्स आए थे, यस बीप करके बंद हो गया, तो आपको पता भी चल जाएगा, कुछ कुछ बहुत तेज बीप नहीं है, थोड़ा सा बीप है। आइए निकालते हैं, ओह माय गॉड, वाओ वाओ, इनके लेग पीस डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा पीस, और हमने ना मिर्चा भी डाला है बस थोड़ा सा इसको ग्रिल करने के लिए, कि देखते हैं मिर्चा कैसा ग्रिल होने के बाद आएगा, और अभी थोड़ा सा पीस बचा है ये अगले शिफ्ट के लिए, बाकी ये इतना सारा है, तो अभी इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं ऑलरेडी क्योंकि 20 मिनट्स मैंने उसमें यूज़ किया था, तो मैं 20 मिनट्स या 30 मिनट्स इधर 20 मिनट्स उधर ऐसा करके मैं ट्राई करूँगा। तो आइए देखते हैं, इसको मैं इन करता हूँ, यस ओके, अब ये हुआ मेन्यू 200 स्टार्ट, और टाइमर हमने बढ़ा के 30 मिनट्स। सो इसमें ना एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइमिंग, यस आधा घंटा जैसा टाइम लग जाता है यार, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये, बट हाँ हेल्दी है इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर जो आपको चिकन खाना बहुत पसंद है और आपको ऑयली नहीं खाना है, ऑयल में कुक्ड बिल्कुल भी नहीं खाना है, तो दिस इज़ द परफेक्ट डिवाइस यू नीड टू बाई, बहुत बढ़िया चीज़ है यार। और आप देख सकते हैं ये हमारा पहला चिकन कुक्ड इसके अंदर से निकला है जो, और सच में यार ये बहुत अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं वाओ, इसमें मैंने निकाल दिया है और अभी 7 मिनट बचा हुआ था और इसको मैं अभी रिवर्स कर दे रहा हूँ, क्योंकि ना इसमें एक ही एक प्रॉब्लम यही है कि ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, अदरवाइज ना है तो बहुत अच्छा चीज़, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग को देखते हुए थोड़ा सा है एक प्रॉब्लम। क्योंकि ना ये हवा से ही कुक हो रहा है ना, तो इसी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। जैसा कि देख सकते हैं इसका जो वन साइड फ्राई हुआ है ये अपर साइड है, ये रिवर्स साइड है, तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम बचा के इसको मैंने रिवर्स कर दिया सारा, ठीक है, और अब हम थोड़ा देर इसका वेट करते हैं, जो 7 मिनट बचा है हम इसको 7 मिनट इसमें यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है, यस अभी ऑटोमेटिक उसी पर उठा देगा, ये देखिए अब देखिए अभी ये टाइमर 7 मिनट यस हो चुका है, और अब हम इसको निकालते हैं, ये कुछ कुछ देख सकते हैं ये आवाज, और फैट देख सकते हैं वहाँ पे बर्न होके ऑयल निकला हुआ है, और हम इसको निकाल के अपने प्लेट में रख के आपको दिखाते हैं उसको किस तरह से निकला है, और बहुत बढ़िया लग रहा है, केएफसी के टाइप का है भाई देसी स्टाइल में, बहुत बढ़िया है। सो ये हमारा लास्ट और ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मतलब खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत मज़ा आया, सोचिए बिना एक स्पून तेल के इतना अच्छा ये फ्राई हुआ है। मैंने क्या देखा ना, 20 मिनट्स आपका टाइमर लगाइए, जिसमें से 14 मिनट्स एक साइड रखिए, और आप रिवर्स करके 7 मिनट रख दीजिए, मतलब 2:1 का टाइमर रखिए ना, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, मतलब ये हमारा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़बरदस्त है, और मेरी तरफ से मस्ट बाय, ओके बाय। इसके बाद सॉरी चिकन के बाद अभी मैंने फिश का नंबर लगा दिया है, एक ही दिन में सारे ट्रायल लेना है। सो देखिए चिकन को हमने इस तरह से डाल दिया है, आई होप कि सेम फ्लेवर के साथ में अच्छा ही होगा, ओके सो इसको मैं 20 मिनट्स का टाइमर रखूँगा 200 डिग्री सेल्सियस वाले पे, ठीक है, इसको ऑन कर दिया टाइमर को, इसको हमने 20 मिनट्स कर दिया, ये मेरा 20 मिनट्स लगा, लाइक 14 मिनट एक तरफ का, 7 मिनट एक तरफ का, कुछ कुछ इस तरह से हुआ है, और सच में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और सोचिए बिना एक बूंद तेल के इतना ज़बरदस्त ये
इन्होंने रोस्ट किया है एयर फ्रायर में,